नमस्कार, आप देख रहे हैं खड़ा, आपके साथ मैं हूं लक्ष्मी उपाध्याय। जिम्मेदारी निभाना और वक्त रहते उसे योग्य हाथों में सौंप देना, यही राजनीति का धर्म है। परिवर्तन की इस प्रक्रिया में निजी स्वार्थ के लिए अगर कोई बदलाव की कोशिश करता है तो समझ लेना चाहिए कि उस राजनीतिक दल या संस्था का भविष्य अंधकार में जा रहा है। साल दर साल परंपरागत राजनीति में शिथिल पड़ती कांग्रेस काफी लंबे समय से बदलाव का इंतजार कर रही है। राहुल के अध्यक्ष बनने के बाद जिस तरह युवा नेतृत्व की मांग पार्टी के अंदर से उठी और इसके बाद 36 घंटे के अंदर तीन प्रदेशों के पार्टी अध्यक्षों ने इस्तीफा सौंपे, उसमें लंबे समय से पार्टी के महत्वपूर्ण पदों पर बैठे नेताओं के लिए संदेश था कि खुद रास्ता खाली करो, नहीं तो पार्टी निर्णय लेगी। पहली नजर में यह सब एक साधारण प्रक्रिया लग सकती है, लेकिन दशकों से पार्टी के अंदर जमे ये बैठे बुजुर्ग नेताओं से सीधे टकराना क्या राहुल गांधी के लिए आसान होगा? गोवा गुजरात के बाद यूपी जैसे बड़े राज्य में कांग्रेस के लिए इस परिवर्तन के क्या सियासी मायने होंगे और ये कांग्रेस के लिए क्यों जरूरी हो गया? आज अखाड़ा में इसी मुद्दे पर चर्चा होगी, लेकिन उससे पहले आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं। बदलाव की राह पर कांग्रेस, 2019 से पहले मजबूत टीम के संकेत, 36 घंटे में तीन इस्तीफे। क्या इस्तीफों से बदलेगी कांग्रेस की किस्मत? नए कप्तान कराएंगे कांग्रेस का बाउंस बैक? भारतीय राजनीति के केंद्र बिंदु में रही कांग्रेस अब अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। बुजुर्ग नेताओं की जकड़ में कांग्रेस मौजूदा राजनीति के साथ शायद तालमेल नहीं बिठा पा रही थी। युवा नेताओं को जिम्मेदारी सौंपने की जो मांग कांग्रेस कार्यकर्ता अरसे से करते आ रहे हैं, 2019 की चुनावी मिसाल से पहले उसका असर दिखने लगा है। अधिवेशन में राहुल के बदलाव के भाषण के बाद जिस तरह गुजरात और गोवा कांग्रेस के अध्यक्षों ने युवाओं के लिए रास्ता साफ किया, और फिर जब यूपी कांग्रेस अध्यक्ष राज बब्बर ने इसी रास्ते पर चलते हुए अपना इस्तीफा हाईकमान को भेजा, तो बदलाव की प्रक्रिया के संकेत सामने आने लगे हैं। राज बब्बर का इस्तीफा फिलहाल स्वीकार नहीं किया गया है और नए अध्यक्ष की नियुक्ति तक वो इस पद की जिम्मेदारी संभालते रहेंगे। हालांकि इस्तीफे के बाद राज बब्बर ने कहा है कि 2019 आम चुनाव को देखते हुए उनकी और दूसरे नेताओं की भूमिका बदलनी चाहिए, लेकिन किसकी क्या भूमिका होगी ये लीडरशिप को तय करना है। कांग्रेस पार्टी के अंदर नई संरचना हो रही है और वो तमाम लोग जो जनरल सेक्रेटरीज या जो भी पीसीसीज हैं वो अभी नहीं है, लेकिन वो काम कर रहे हैं और जो भूमिका राष्ट्रीय अध्यक्ष देंगे इस नई संरचना में, कांग्रेस के नए में, उसमें हम सब लोग 2019 की कांग्रेस को मजबूत करने के लिए सब तैयार हैं सिपाही। पार्टी सूत्रों के मुताबिक यूपी कांग्रेस का अगला मुखिया ब्राह्मण हो सकता है। इस रेस में पूर्व केंद्रीय मंत्री जितिन प्रसाद सबसे आगे हैं। युवा जितिन प्रसाद राहुल गांधी के करीबी भी माने जाते हैं। इसके अलावा वरिष्ठ कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी और वाराणसी के पूर्व सांसद राजेश मिश्रा का भी नाम चर्चा में बना हुआ है। कहा तो ये भी जा रहा है कि नए अध्यक्ष के नाम का ऐलान नवरात्रों में ही किया जा सकता है। वैसे यूपी में संगठन को मजबूत करना कांग्रेस के एजेंडे में हमेशा शामिल रहा है, लेकिन अभी तक कांग्रेस के लिए ये सपना ही बना रहा। और अगर बात ब्राह्मण चेहरे को कमान सौंपने की हो तो रीता बहुगुणा जोशी को यूपी कांग्रेस अध्यक्ष बनाकर कांग्रेस से टेस्ट पहले भी कर चुकी, लेकिन हालात जस के तस बने रहे। अब जबकि राज बब्बर इस्तीफा दे चुके हैं, कांग्रेस बदलाव की प्रक्रिया से गुजरने को तैयार है, वरिष्ठ नेता इसके लिए आगे भी आ रहे हैं, लेकिन नई जिम्मेदारियों के साथ संगठन को मजबूत करना और फिर कार्यकर्ताओं में जोश भरना कांग्रेस के लिए किसी चुनौती से कम नहीं है, वो भी तब जब मजबूत बीजेपी के साथ आरएसएस जैसा संगठन खड़ा। अखाड़ा के लिए लक्ष्मी उपाध्याय। राह आसान नहीं है, मुश्किलें बड़ी हैं, लेकिन कोशिश की जा रही है फतह पाने की। तमाम खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए, सबका परिचय आपसे कराऊंगी। सुरेंद्र सिंह राजपूत जी कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बहुत स्वागत। डॉक्टर चंद्रमोहन बीजेपी से हमें जुड़ चुके हैं हमारे साथ। अब्दुल हाफिज गांधी जी समाजवादी पार्टी से, मानस श्रीवास्तव जी एसोसिएट एडिटर हमारे साथ जुड़े हैं, लाल जी निर्मल अध्यक्ष अंबेडकर महासभा के, आप सभी का बहुत स्वागत मेरे साथ जुड़ने के लिए और बहुत शुक्रिया कि आपने समय दिया। सुरेंद्र राजपूत जी, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाह रही हूँ। राहुल गांधी ने अधिवेशन में जिस तरीके से कहा कि अब हम युवाओं को आगे ला रहे हैं और हम बुजुर्गों को और युवाओं में किस तरीके से नेताओं में तालमेल बिठाएंगे, ये बेहद जरूरी है, क्या इस्तीफे से राहुल युग की शुरुआत हम देख रहे हैं? देखिए, इस्तीफे जैसी कोई बात नहीं है,
36 घंटे में 3 इस्तीफे सर, सिर्फ 2 इस्तीफे उन्होंने भी स्वयं, गुजरात, गोवा और यूपी, गुजरात ने और गोवा में इस्तीफे हुए हैं, उत्तर प्रदेश में कोई इस्तीफा नहीं हुआ है। एक बात, राज बब्बर जी ने कहा तमाम पीसीसी और तमाम एआईसीसी को पुनर्गठन के लिए सब लोग अपनी अपनी जगह पे, उनकी पुनर्संरचना हो रही है, इस्तीफे जैसी कोई बात राज बब्बर जी ने नहीं कही, मेरी भी बात हुई है। आज की डेट में मैं ये कह सकता हूँ कि उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष पद की कुर्सी खाली नहीं है, नंबर एक। नंबर दो, राज बब्बर जी 71, 72, 75 साल के नहीं है, दूसरी बात। तीसरी बात, राज बब्बर जी ने अपना जो कुशल नेतृत्व दिया है उसके लिए कांग्रेस जन भी धन्यवाद करते हैं, और उन्होंने जमीन पर रह करके जो लड़ाई लड़ी है उसके लिए भी हम लोग उनके कृतज्ञ भी हैं और आभारी भी हैं। राहुल गांधी जी और पूरी कांग्रेस के हाईकमान को सीडब्ल्यूसी को निर्णय लेना है पुनर्गठन का, और पूरे देश में कांग्रेस के पुनर्गठन का, उत्तर प्रदेश भी उसका एक हिस्सा है। जब पुनर्गठन की बात आएगी तो निश्चित तौर पर सारी पीसीसी जब पुनर्गठित होंगी तो उत्तर प्रदेश की पीसीसी भी पुनर्गठित होगी। इसको इस्तीफे जैसी बात को लेकर के मेरे ख्याल से मीडिया को भ्रम नहीं बनाना चाहिए। हां, एक बात मैं आपको बहुत स्पष्ट कह दूं, एक बात से मैं आपके सहमत हूं कि जो ओल्ड गार्ड्स हैं और जो न्यू गार्ड्स हैं, दोनों का एक समन्वय होगा कांग्रेस में। हमारे जितने हमारे वरिष्ठ नेता हैं, हम उनको कहीं मार्गदर्शक मंडल में नहीं रखने वाले, वो हमारे वरिष्ठ सहयोगियों की तरीके से हमारी आंख नाक कान रह करके और जमीन पर युवा कार्यकर्ता काम करेगा। पद किसी का कोई भी हो, कांग्रेस में पद की लड़ाई और कद की लड़ाई कभी नहीं होती है। एक चीज तय है कि 2019 के इलेक्शन के लिए भारतीय जनता पार्टी और इन सांप्रदायिक ताकतों को हराने के लिए जो कुछ भी संभव होगा, विपक्षी एकता सहित, संगठन सहित, सारे हरफे हम इस्तेमाल करेंगे। चंद्रमोहन जी, बहुत स्वागत आपका। बीजेपी को हराने के लिए विपक्षी एकता नजर आएगी, युवाओं को पूरी तरीके से तरजीह दी जा रही है, कांग्रेस पूरी तरीके से आपको डिफीट देने के लिए तैयार है। कितना आप राहुल गांधी को सर्थक मान रहे हैं नरेंद्र मोदी के लिए, और कितनी चुनौती रहेंगे 2019 में आपके लिए राहुल? देखिए, इसमें दो बातें हैं लक्ष्मी जी। एक तो महत्वपूर्ण बात यह है कि कांग्रेस का ये आंतरिक विषय है, और कांग्रेस के प्रवक्ता और कांग्रेस के, उत्तर प्रदेश कांग्रेस के बड़े नेता हैं सुरेंद्र राजपूत जी, वो कह, उनका स्पष्ट मत है कि कोई ऐसा कुछ है नहीं कि राज बब्बर जी ने इस्तीफा दिया या कुछ दिया या क्या दिया, तो ये उनका आंतरिक मसला है। इस पर भारतीय जनता पार्टी को कोई वो नहीं है कि उनका कांग्रेस अध्यक्ष ए हो या बी हो या सी हो, इससे भारतीय जनता पार्टी को कोई लेना देना नहीं है। ये कांग्रेस का विषय है, इसको कांग्रेस समझे, अच्छे से समझे, जैसे चाहे वैसे समझे, क्योंकि कांग्रेस में अभी जो कांग्रेस की स्थिति है, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के रूप में, उत्तर प्रदेश के अब तक युवा और हिंदुत्व की बात बीजेपी करते आई थी, लेकिन अब वही फॉर्मूला कांग्रेस अपना रही है, कितना नुकसान देख रहे हैं आप इससे? नहीं, हमारा नुकसान क्यों है, हमारे नुकसान से क्या है, हमारा क्यों नुकसान होगा? हम आइडियोलॉजी में तपे तपाए लोगों की चेन हमारे पास है, हमारे पास बूथ से लेकर और राष्ट्रीय स्तर तक के कार्यकर्ताओं की मालिका है, तो हमसे क्या इनका है, ये अपना जो चाहे वो करें, ये इनका है। अब कांग्रेस का जो भी अध्यक्ष हैं, वो हम तो चाहते हैं लोकतंत्र में कि विपक्ष मजबूत हो, हम चाहते हैं कि कांग्रेस के लोग काम करें, और कांग्रेस के लोग जो कांग्रेस के बंद ताले बंद कार्यालय हैं उनको खोलें और उसमें काम करें, बैठें। लेकिन अभी तो कांग्रेस के दफ्तर ही नहीं खुलते हैं, तो पहले कांग्रेस में कौन प्रदेश अध्यक्ष होगा, कौन दफ्तर खुलवाएगा, और कांग्रेस के जो बंद पड़े ताले हैं उनको कौन देखेगा? और कांग्रेस की उत्तर प्रदेश के साथ में, उत्तर प्रदेश की जनता जो चाहती है, उत्तर प्रदेश का जो नौजवान चाहता है, वैसा संगठन कैसे कांग्रेस तैयार कर पाएगी, कांग्रेस कैसे भरोसा दिलवाएगी? हमारे पास तो एक आइडियोलॉजी वाले लोग हैं, हम तो मां तेरा वैभव अमर रहे, हम दिन चार रहे ना रहे, ये जोश के साथ में काम करने वाले युवा हैं, हर बूथ पर हमारा संगठन है, बूथ स्तर की एक्टिविटीज है पूरे प्रदेश में हमारे पास प्रदेश के जो लोग हैं, हर जिले में हमने तो सेक्टर रचना खड़ी की है, और हर नेता के पास में सेक्टर। चंद्रमोहन जी, छोटा सवाल था, राहुल गांधी को मोदी के सामने कितनी चुनौती मान रहे हैं आप, क्या टक्कर दे पाएंगे राहुल गांधी? देखिए,
देखिए देखिए, इसमें दो बातें, देश देश जो है मोदी जी को और राहुल जी को अलग अलग करके दिखता है। मोदी जी एक वैश्विक नेता है, एक जनप्रिय नेता है, एक लोकप्रिय नेता है। राहुल जी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हैं, तो दोनों में जमीन आसमान का अंतर है, दोनों की कोई तुलना नहीं की जा सकती है, और दोनों में बहुत अंतर है, देशवासी भी इस बात को जानते हैं। और राहुल जी को भी सब लोग देख रहे हैं जैसे जैसे वो करते हैं अपने कर्तव्य। ठीक है, मानस श्रीवास्तव जी मेरे साथ जुड़े हैं, एसोसिएट एडिटर हैं। मानस जी, मैं आपसे समझना चाह रही हूँ, हालांकि सुरेंद्र जी बोल रहे हैं कि राज बब्बर जी ने इस्तीफा नहीं दिया है, परिवर्तन होगा ये तो जरूर है, लेकिन अभी इस्तीफा नहीं दिया ये इनका कहना है, जबकि ये बात स्पष्ट हो चुकी है कि राज बब्बर अपना इस्तीफा दे चुके हैं, हालांकि उनका इस्तीफा मंजूर नहीं हुआ है। इन परिवर्तन को सर हम कैसे देखें? अगर राज बब्बर के हम इस्तीफे को देखते हैं तो क्या लगता है, क्या सियासी समीकरण में, सूबे के जो सियासी समीकरण थे उसमें फिट नहीं थे राज बब्बर? देखिए, कांग्रेस के सामने संकट आज नहीं है, कांग्रेस के साथ ये संकट विगत 3 दशकों से चला आ रहा है, और कई प्रयोग किए गए, कई अलग अलग अध्यक्षों को बैठाला गया, और ऐसा नहीं है कि पहली बार किसी अध्यक्ष को हटना पड़ा है। हमने देखा कि यहाँ पर जगदम्बिका पाल भी एक जमाने में प्रदेश अध्यक्ष रहे, जितेंद्र प्रसाद जैसे कद्दावर नेता यहाँ पर प्रदेश अध्यक्ष रहे, नारायण दत्त तिवारी का भी कार्यकाल मैंने देखा, उस वक्त मैंने नया नया पत्रकारिता में आया ही था, उनका भी कार्यकाल देखा, लेकिन इत्तेफाक था उस जमाने में 0 सीट मिली थी कांग्रेस को उत्तर प्रदेश में। समस्या इस बात की है कि कांग्रेस सांगठनिक तौर पर बहुत कमजोर है, और संगठन के जो खासतौर से फ्रंटल संगठन है उनको देखें तो धीरे धीरे कुछ समय के बाद वो इतने कमजोर हो गए कि आज उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करते हैं तो आप इस बात को समझिए कि ये कांग्रेस की कर्मभूमि उत्तर प्रदेश, संजय गांधी, इंदिरा गांधी, सभी राजीव गांधी सब यहाँ से चुनाव जीतते रहे, उनका अपना प्रदेश, उनका गृह राज्य है ये, उसके बाद राहुल गांधी और सोनिया गांधी ने विरासत संभाली। ऐसे महत्वपूर्ण प्रदेश में एक नरेंद्र मोदी बाहर से आते हैं, गुजरात से चल करके आते हैं और चुनाव जीत के चले जाते हैं, और इसी प्रदेश में राहुल गांधी और सोनिया गांधी को जद्दोजहद, सोनिया को तो नहीं कह सकते लेकिन राहुल गांधी को जद्दोजहद करनी पड़ती है स्मृति ईरानी के मुकाबले चुनाव लड़ने में। तो कहीं ना कहीं संगठन की एक बहुत बड़ी कमजोरी है, और बार बार जिस तरीके भी प्रयोग किए जा रहे हैं वो अभी तक असफल साबित हुए हैं, क्योंकि अब नई जमाने की कांग्रेस है, नया नेतृत्व हाथ में है, राहुल गांधी के हाथ में नेतृत्व गया, और पिछले कुछ समय से हम लगातार देख रहे हैं कि 2014 वाली इमेज को वो तोड़ करके अब 2019 में जिस नए तेवर के साथ वो प्रवेश कर रहे हैं, तो ये उम्मीद की जा रही थी कि संगठन में भी कुछ फेरबदल होगा। ये अलग बात है कि 2017 के चुनाव में जिस तरीके से उन्होंने 27 साल यूपी, बिहार और खाट पंचायत से लेकर तमाम तरह के उन्होंने प्रयास किए वो सफल नहीं हो पाए, लेकिन इस बार फिर से वो कोशिश कर रहे हैं, और ये एक उम्मीद जाहिर की जा रही है कि किसी युवा नेतृत्व के हाथ में कमान दी जाएगी, और शायद वो चेहरा भी ब्राह्मण ही होगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश की तो जातिगत समीकरण जो है उससे आप इनकार नहीं कर सकते। इसका हालिया उदाहरण हमने देखा समाजवादी पार्टी और बसपा का गठबंधन की किस तरीके से योगी का किला ढह गया। तो मुझे लग रहा है कि राहुल गांधी उत्तर प्रदेश को लेकर के बहुत संजीदा और नए प्रयोग किए जा रहे हैं। इस्तीफा उन्होंने मांगा होगा राज बब्बर से, और चूंकि इतनी बड़ी पोजीशन पर रहे हैं वो, तो जाहिर सी बात है वो आपस में पहले से तय हो जाता है। तो मुझे लगता है कि कोई नया चेहरा जल्दी देखने को मिलेगा उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी में, लेकिन अब वो कितना कारगर साबित होगा, क्योंकि तमाम वरिष्ठ नेताओं को हमने देखा, रीता बहुगुणा जोशी को भी देखा, जैसे मैंने कहा कि अरुण कुमार सिंह मुन्ना बहुत तेजतर्रार नेता थे एक जमाने में, उनको भी बहुत लंबे समय तक रहे उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रहे, उनको भी देखा, जितेंद्र प्रसाद जी का भी मैंने कार्यकाल देखा। तो देखते हैं अब नया अध्यक्ष आता है किस तरीके से बागडोर संभालता है। ठीक है सर, अब्दुल हफीज गांधी जी समाजवादी पार्टी से मेरे साथ जुड़े हैं। अब्दुल जी, कांग्रेस पूरी तरीके से तैयारी में जुट चुकी है, लेकिन अगर हम यूपी की बात करते हैं तो कांग्रेस कहीं नहीं ठहरती, जहां तक हम देख पा रहे हैं। यूपी को 7 भी पसंद नहीं आया, 2019 में विपक्षी एकता की बात कर रही है कांग्रेस, जबकि आपको उपचुनाव में भी सहयोग नहीं दिया, पीछे से छुरा भोंक दिया आपको। ऐसे में क्या लगता है, जो आपकी रणनीति है वो क्या है 2019 के लिए? देखिए लक्ष्मी जी, मैं आपका जवाब देने से पहले एक दो बातें कहना चाहूँगा। पहले तो ये कि जब से राहुल जी राजनीति में आए हैं उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए हैं, और युवाओं को लाने के लिए भी, क्योंकि यूथ कांग्रेस और NSY की जिम्मेदारी उनको शुरू शुरू में दी गई थी, उन्होंने आंतरिक चुनाव, जो संगठन को मजबूत करने के लिए आंतरिक चुनाव कराए थे, जो कि बहुत सक्सेसफुल फॉर्मूला रहा था, और उससे जो ज़मीन से जुड़े हुए युवा थे कहीं ना कहीं, और जिनकी कहीं ना कहीं जो राजनीतिक पृष्ठभूमि नहीं थी, वो भी यूथ कांग्रेस और NSY से जुड़े थे, और आज जो चेहरे आप कांग्रेस में भी देख रहे हैं, धीरे धीरे उनको मेन संगठन में भी जिम्मेदारी कहीं ना कहीं मिल रही है। तो आपने अगर राहुल जी का अधिवेशन में भाषण देखा हो तो आपने एक चीज़ महसूस की होगी कि उन्होंने मिश्रण की बात की थी कि अनुभव का और युवाओं का
जो संगठन आगे बनेगा उसमें मिश्रण होगा, जो अनुभव है यानी कि जो बुजुर्ग हैं उनसे भी मार्गदर्शन लिया जाएगा, उनको भी जिम्मेदारी दी जाएगी, क्योंकि अनुभव को आप नकार नहीं सकते हैं। और चूंकि आज भारत देश पूरी दुनिया में सबसे युवा देश है, तो जो एक डेमोग्राफिक जो एक क्वेश्चन देखने को मिलता है देश में, उसका भी ध्यान कहीं ना कहीं रखना है। और इसलिए आप देखिए कि चाहे वो हरियाणा हो वहाँ पर अशोक तंवर जी के रूप में, या राजस्थान हो वहाँ सचिन पायलट, या अभी मैं अभी आ रहा हूँ आपके सवाल पे, या आप अभी अभी जो गुजरात में चुनाव हुए हैं वहाँ पर लीडर अपोजिशन देखिए परेश धनानी, जो 3 बार के एमएलए हैं और बहुत युवा हैं, उनको राहुल जी ने वहां पर जिम्मेदारी दी है। मैं समझता हूं कि उत्तर प्रदेश के अंदर भी कांग्रेस कुछ ना कुछ करेगी, क्योंकि हर किसी पार्टी की ये प्राथमिकता रहती है कि अपने संगठन को मजबूत करें। और यदि कांग्रेस भी ऐसा करना चाहती है तो ये कदम स्वागत योग्य है और कांग्रेस को करना भी चाहिए। जिस तरह की चर्चाएं चल रही हैं कि और एक बात और आप देखिए कि पूरे के पूरे अधिवेशन में राहुल जी को अधिकृत किया गया था कि वो CWC वो बनाएंगे, वो सारे के सारे संगठन की संरचना वो करेंगे। तो यदि प्रदेश अध्यक्ष जाकर अपने जो इस्तीफे दे रहे हैं या बात कर रहे हैं, तो उससे भी हमें जोड़कर कहीं ना कहीं देखना होगा, क्योंकि नया संगठन आना है, इसलिए सारी की सारी चीजें देखने को मिल रही हैं। लेकिन मैं समझता हूं कि कांग्रेस पूरे भारतवर्ष में मजबूत हो, ऐसा हम उनको बधाई देते हैं। और सर, चाहते यूपी की बात कर रहे हैं, यूपी में कितने मजबूत देख रहे हैं आप? क्योंकि समाजवादी पार्टी के कई प्रवक्ता मुझसे यह भी कह के गए कि अगर हम यूपी में हारे तो कांग्रेस की वजह से हारे, अगर हाथ नहीं पकड़ते तो शायद हम इससे बेहतर प्रदर्शन करते। देखिए लक्ष्मी जी, मैं एक बात कहना चाहूँगा कि फ्यूचर की राजनीति हम लोग करते हैं और फ्यूचर में 2019 के लिए हम तैयारी कर रहे हैं। 2019 में हम चाहते हैं कि लार्जर गठबंधन बने, उसमें कांग्रेस की भी एक अहम भूमिका होगी, और हम चाहते हैं कि लार्जर गठबंधन में सभी के सभी दल आएं। कांग्रेस को आप अपने साथ लाना चाहते हैं या आप कांग्रेस के साथ जाना चाहते हैं? देखिए, साथ लाना और ये जो मीडिया की भाषा होती है मेरे को बहुत समझ नहीं आती है, लेकिन हम साथ मिलकर काम करेंगे, इतना मैं आपसे वादा कर सकता हूँ। ठीक है, नेतृत्व तो सर किसका रहेगा? फिर आप वही मुझसे सवाल पूछ रहे हैं शब्दों को बदलकर। मैं आपसे कह रहा हूँ कि नेतृत्व तो किसका होगा, कौन उसमें होगा, कौन नहीं होगा, ये समय बताएगा, समय का इंतजार करिए। अलायंस तय हुए, देखिए लार्जर अलायंस होगा, इसकी हमारे माननीय कांग्रेस उसमें होगी नहीं होगी? देखिए कांग्रेस बिल्कुल होगी, क्योंकि कांग्रेस की जो प्रेजेंस है वो पैन इंडिया प्रेजेंस है, इसको कोई नकार नहीं सकता है। बहुत बड़ा दिल है आपका, हालांकि उपचुनाव में आपको कांग्रेस ने सहयोग नहीं किया, लेकिन फिर भी आप कह रहे हैं कि हम कांग्रेस को साथ लेकर चलेंगे, बहुत अच्छी बात है। लाल जी, निर्मल जी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। लाल जी, हम देख रहे हैं कि 2019 के लिए पूरी तरीके से तैयारी चल रही है, उपचुनाव में जिस तरीके से सपा और बसपा का प्रदर्शन रहा, हालांकि कांग्रेस कहीं नहीं ठहरी उपचुनाव में भी, लेकिन कांग्रेस अब जो राहुल गांधी ये नई रणनीति ला रहे हैं कि युवाओं को तरजीह दी जाएगी और भी कई सारे फॉर्मूले, क्या लग रहा है इससे आपको? लक्ष्मी जी, कांग्रेस एक जमाने में देश की मुख्य धारा हुआ करती थी राजनीति की, और मुझे अच्छी तरह याद है कि कांग्रेस से टिकट लेने का मतलब होता था कि वह व्यक्ति विधायक हो गया, वह व्यक्ति सांसद हो गया। लेकिन कांग्रेस की जो वर्तमान में स्थिति है वह इसलिए है कि वह सत्ता से जुड़ी रहने के कारण वो जमीन से हट गई, जमीनी जो मुद्दे हैं उनसे उसका विचलन हो गया, और कांग्रेस का जो मूल अवधारणा थी कि गैर सांप्रदायिक, गैर जातिवादी एक चेहरा और एक नेतृत्व दिखाई पड़ता था, आज कहा जा रहा है कि UPCC का चेयरमैन कोई ब्राह्मण चेहरे की तलाश हो रही है। कितना दुखद है, और भारतीय राजनीति का कितना दुर्भाग्यपूर्ण पक्ष है, कांग्रेस जैसी एक विषद पार्टी और एक ब्राह्मण चेहरा। मैं लाल जी निर्मल साहब को सिर्फ एक सेकंड में कह रहा हूँ, कांग्रेस धर्म और जाति की बात नहीं करती, ये मीडिया का उठाया हुआ है। मैं राहुल गांधी जी की उस बात को कोट करना चाहूंगा जो उन्होंने कहा था कि उत्तर प्रदेश में मैं दलित लीडरशिप को पैदा करना चाहता हूँ। मैं कहना चाहता हूं कि आधी सदी तक इस देश के दलितों ने कांग्रेस को सपोर्ट किया, तो दलित चेहरा क्यों नहीं? बिल्कुल, ब्राह्मण चेहरा क्यों? आपने कहा कि हम दलितों को तरजीह देंगे, आज उत्तर प्रदेश में जरूरत है दलित नेतृत्व की। मायावती जी बटवृक्ष बनकर के बैठी हुई है राजनीति का, दलित राजनीति का, तो कांग्रेस को चाहिए कि दलित नेतृत्व पैदा करता, UPCC का अध्यक्ष जो है किसी दलित को करते, लेकिन नहीं, कहीं एक भी कद्दावर दलित नेतृत्व उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के भीतर नहीं दिखाई पड़ता। सुरेंद्र जी, दो बातें बड़ी स्पष्ट हैं। पहली चीज तो मैं धन्यवाद दूंगा लाल जी निर्मल साहब को, उन्होंने राहुल गांधी जी की बात रखी, उन्होंने बड़ा स्पष्ट कहा था उस सम्मेलन में, कहा था कि हम लीडरशिप
पैदा कर रहे हैं और लीडरशिप हम पैदा कर रहे हैं, नंबर एक। नंबर दो, ब्रह्मन आएगा, कौन आएगा, ये मीडिया के कयास हैं और कब आएगा फिलहाल। तो इस आप कह के जाएंगे कि दलित आएगा सर? पहले मेरी बात तो सुन लीजिए, आप वादा करेंगे कि ब्राह्मण नहीं आएगा? आप मेरी बात तो सुनिए, आप अपने अपने शब्द मेरे मुंह में क्यों डालना चाहती हैं लक्ष्मी जी? आप तो बड़ी वरिष्ठ एंकर हैं, आप तो किसी की भी ऐसी कैसी कर सवाल था सिर्फ जवाब दे दीजिए अगर संभव है। मैं दोनों, आप भी एक वरिष्ठ प्रवक्ता हैं सर, आपका बयान काफी माने रखता है कांग्रेस के लिए, मुझे लगता है आप कह देंगे तो शायद। मैंने कहा ना, सच्चाई है उसमें। सुनिए, मैंने कहा, मैं पहले तो लालजी निर्मल साहब की बात का जवाब दे दूं। इन्होंने बड़ी स्पष्ट रूप से कहा कि ब्राह्मण आएगा, तो मैं बता दूं कि कांग्रेस में योग्य व्यक्ति आएगा, धर्म और जाति के नाम से कोई आदमी ना आया तो था। क्या राजबब्बर योग्य नहीं है? बिल्कुल योग्य है। फिर अभी आज की अभी आपने कहा कि परिवर्तन संभव है, अगर वो योग्य थे सर तो आखिर इसकी नौबत क्यों आई? मैं आपसे, आपने कहा कि वो 71 साल की नहीं है, यानी सिर्फ शांताराम नायक जी का आप एक्सेप्ट करेंगे? जो भी उन्होंने दिया है तो कही रहा हूं कि मैंने तो आपसे पहले ही कहा कि इस वक्त हमारे अध्यक्ष पद की कुर्सी खाली नहीं है, हमने बिल्कुल बहुत स्पष्ट कहा। अभी नहीं है, ये मैंने भी कहा, क्योंकि उनका इस्तीफा तो मंजूर नहीं हुआ है। ना, इस्तीफा भी नहीं, यही कहा, इस्तीफा उन्होंने दिया है। इस्तीफा भी नहीं दिया है उन्होंने, मैं आपसे फिर से कह रहा हूं, उन्होंने कोई इस्तीफा नहीं दिया है। और हमारा अध्यक्ष श्री राजबब्बर जी हैं और उनके नेतृत्व में हमने बहुत अच्छा काम किया है, और वो दलित ब्राह्मण अगड़े पिछड़े की वजह से नहीं आए हैं, वो एक जुझारू नेता जो कि आगरा डिग्री कॉलेज का अध्यक्ष होता था, जिसने जमीन आंदोलन किए हैं, जिसने पूरी तरीके से दादरी का आंदोलन किया था। मुझे बता दीजिए, 2012 में यूपी में 28 सीट और 2017 में मात्र 7, तो कैसे मान लिया जाए कि वो सभी सियासी समीकरणों पर खड़े उतरे हैं राजबब्बर? लक्ष्मी, कहां गई मेहनत सर? लक्ष्मी जी, आप लोग गोल पोस्ट क्यों चेंज करते हैं बार बार? आप लोग किसी आदमी को जवाब क्यों नहीं देना चाहते पूरा? सर, आप जो कह रहे थे, मैंने उस बीच आपसे कहा ना, आपने कहा आप, आप, आप लगातार जब हम जो सवाल पूछ आप जो सवाल करते हैं उसका जवाब देने लगते हैं, तब तक आप फिर गोल पोस्ट चेंज कर देते हैं। सर, छोटा छोटा जवाब दीजिए, बाकी लोग भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मुझसे छोटा जवाब तो कोई नहीं देता लक्ष्मी जी। ठीक है, आप बताइए ना मुझे, इस परिवर्तन की वजह क्या रही? फिर कहां परिवर्तन? 28 से 7 पर कैसे सिमट गए 2017? ये तो जनता से पूछिए, हम नहीं बता पाए जनता को अपने। कैसे बात कर रहे हैं? जनता से नहीं पूछना है, जाहिर सी बात है पार्टी को मंथन की आवश्यकता होती है। बहुत स्पष्ट रूप से लक्ष्मी जी आपको बता दें, बड़ी विनम्रता से, जनता का हर जनादेश हमें मंजूर, नंबर एक। जनता हमें 7 सीट दे, 70 दे, 413 दे, 403 दे, जनता का हर जनादेश हमें मंजूर है। जनता ने हमें 413 सीट भी दी और जनता ने हमें 44 भी दी। सच बात यह है कि हम जनता के हर जनादेश को मंजूर। हमने धर्म की राजनीति नहीं की, हमने जाति की राजनीति नहीं की, हम इस चीज को लेकर के गर्वान्वित हैं इस बात में कि हम कभी, यानी आप कह रहे हैं धर्म और जाति, यूपी में ब्राह्मण नहीं आएगा प्रदेश अध्यक्ष? फिर से आप, योग्य व्यक्ति आएगा, जातिवाद नहीं होगा, हम जातिवाद पर नहीं। और लालजी निर्मल जी से मैं बता दूं कि लालजी निर्मल साहब, आपको भी याद होगा, यहीं पर महावीर प्रसाद जी भी अध्यक्ष रहे हैं, नंबर एक। और नंबर दो, 1975 में अगर दलितों को पट्टे देने का काम किसी ने किया तो कांग्रेस ने किया था। दलितों को अगर उनके हक और हुकूक के लिए संविधान में आरक्षण की व्यवस्था की थी तो कांग्रेस ने की थी। आज की डेट में अगर लालजी निर्मल साहब सम्मान के साथ जिस जगह पर भी बैठते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं चाहे छोटा रोल हो, कांग्रेस और संविधान का है। इस चीज को मानना पड़ेगा। 70 के बाद आपको कोई दलित अध्यक्ष नहीं मिला क्या? क्या देश में? देखिए, फिर से मैं बताऊं, हमने कहा ना कि हम जाति के आधार पर अध्यक्ष नहीं देखते, ये मीडिया का काम है कि मीडिया में आज की डेट में हमें तो राजबब्बर जी की जाति नहीं पता थी। आधार पर उम्मीदवार क्यों उतारते हैं? अरे, राजबब्बर किस जाति के थे भाई, आप बताइए, हमने अध्यक्ष बनाया? रीता बहुगुणा जी आज की डेट में आप कहेंगे ब्राह्मण थी, पहाड़ी ब्राह्मण हो गई वो, तो उत्तरांचल में तो नहीं बनाया हमने, तो उत्तर प्रदेश में बनाया था। पहाड़ी, आप इस चीज को देखिए ना, पहाड़ी वोट बैंक तो कहाँ है? वोट बैंक पहाड़ी उत्तर प्रदेश में। अरे आप क्या करते हैं मानस जी? अरे मैं फिर से बताऊं, हम लोग जाति और धर्म की राजनीति नहीं, कोई जाति नहीं है, कोई वर्गों का एक समूह है। और मैं बताऊं, इसलिए उसको और आज मैं लालजी निर्मल साहब से एक गुजारिश करता हूं कि लालजी निर्मल साहब एक 5 ऐसे योग्य व्यक्ति हमें बताएं जिनको हम संगठन में ले सके, हम उनको संगठन के महत्वपूर्ण पदों में लेंगे, आप हमें दीजिए नाम। लाल जी, देखिए कांग्रेस भाई चिंतक है दलितों के, हम इनका सम्मान करते हैं, मानते हैं, अंबेडकर महासभा के अध्यक्ष हैं, सुरेंद्र, और हम 5 लोगों को ये दें और हम संगठन में लेंगे। सुरेंद्र जी, देखिए चाहे जो भी राजनीतिक दल हो देश में, सब किसी न किसी रूप में जाति से बंधे हुए हैं। बिल्कुल है, और जातीय राजनीति रही है। कांग्रेस का भी जो पुराना पक्ष है वह दिखता नहीं था, लेकिन था, वह भी जातिवादी एक राजनीति के रूप में था। आपको याद होगा, अगर कुछ अपवादों को छोड़ दीजिए
तो 90 के पहले देश में जितने भी मुख्यमंत्री हुए प्रदेशों में सब ब्राह्मण्स थे कांग्रेस के भीतर। तो कांग्रेस का यह एक चेहरा यह भी रहा है सर, आधी सदी तक अब्दुल रहमान अब्दुले को आप ब्राह्मण कहेंगे, सरफराज आलम को आप ब्राह्मण कहेंगे, तारकेश्वरी सिन्हा को आप ब्राह्मण कहेंगे, नहीं अब कुछ अपवाद नहीं। मैं आपको उत्तर प्रदेश में पूरी सीरीज बता दूं कि आपको कहां पर ब्राह्मण थे, उसमें आप देखिए 80% उत्तर प्रदेश का आप जोड़ लीजिए शुरू नारायण तिवारी से शुरू लेकर निर्मल साहब। इतिहास से अगर चलता है तो बताइए, मैंने आपसे एक सविनय निवेदन किया कि 5 से लेकर 10 ऐसे आप यूथ आइकॉन हमें दीजिए जो बिल्कुल प्रदेश में हो। दलित दलित क्यों नहीं, दलित को लाइए आप, दीजिए बना के देखिए ना। अरे भाई दीजिए क्या दे, आप देखिए ना अपने पार्टी के अंदर। ये तो सभी पार्टियों का है चंद्रमोहन जी, आपकी पार्टी में भी तो कोई दलित अध्यक्ष नहीं है। चंद्रमोहन जी आपसे लूंगी ब्रेक के बाद ये सवाल कि आखिर क्या वजह है आप भी दलितों को किस क्यों इग्नोर कर रहे हैं। छोटे से ब्रेक का वक्त हो चुका है सर, फौरन लौटूंगी आपके साथ। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, कहीं जाइएगा नहीं, आप देखते रहिए अखाड़ा, लगातार ये चर्चा जारी रहेगी। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आप अखाड़ा देख रहे हैं, क्या करेगी कांग्रेस, अब कांग्रेस का क्या होगा, क्योंकि 36 घंटे में 3 इस्तीफे आ चुके हैं, इस्तीफा की बौछार होनी शुरू हो गई है। संगठन के तौर पर कांग्रेस कमजोर है क्या, जो नए चेहरों का चयन होगा जातीय समीकरण के तौर पर होगा, और क्या वो नए चेहरे कांग्रेस का कल्याण कर पाएंगे, कांग्रेस की क्या बाउंस बैक एक बार फिर से कांग्रेस करेगी नए कप्तानों के जरिए। तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, चर्चा का विषय लगातार चल रहा है। मेरे साथ चंद्रमोहन जी जुड़े हुए हैं बीजेपी से। चंद्रमोहन जी ब्रेक के बाद मैं आपके ही पास आ रही हूं। लाल जी ने कहा कि दलितों का हमेशा एक तरीके से उनको इग्नोर किया है, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो। 2017 विधानसभा चुनाव में आप पर यह भी आरोप लगे कि आपने अल्पसंख्यकों को भी इग्नोर किया है, आखिर ऐसी क्या वजह है? नहीं देखिए, भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास पर विश्वास करती है, और ये हम संगठन से लेकर सरकार तक सब में दृष्टिगोचर होता है। लेकिन सीटों के बंटवारे में नजर नहीं आता चंद्रमोहन सिंह जी को, मैं टिकट के बंटवारे में नजर नहीं आता। मेरी बात आ जाने दीजिए जी, लक्ष्मी जी मेरी बात आ जाने दीजिए। देखिए हमने स्वतंत्र देव सिंह, महेंद्र सिंह जी और मोहसिन राजा जी, ये तीनों लोग किसी सदन के सदस्य नहीं थे, लेकिन तीनों लोगों को सीधा मंत्री बनाया, विधान परिषद में तीनों लोग आए। महेंद्र सिंह जी थे लेकिन स्वतंत्र देव सिंह जी किसी सदन के सदस्य नहीं थे, इसी प्रकार से मोहसिन राजा जी किसी सदन के सदस्य नहीं थे, हमारे साथ थे, प्रवक्ता टीम में थे, पार्टी के लिए काम कर रहे थे, तो पार्टी के लिए काम कर रहे थे, एक अलग फोरम पे काम कर रहे थे, और हम अपने किसको कैंडिडेट बनाना है इसके लिए एक तय निर्धारित है। कैंडिडेट बनाते समय कोई किसी को संतुष्ट करने के लिए कैंडिडेट नहीं बनाया जाता, कैंडिडेट बनाया जाता है चुनाव जीतने के लिए, और मोहसिन राजा जी ने उस भूमिका का निर्वहन किया, आज वो उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री हैं। तो ऐसा नहीं है, देखिए भारतीय जनता पार्टी हमेशा से कार्यकर्ता आधारित निर्णय करती रही है। अब देखिए यहाँ ये जरूर हो सकता है इन खबरों के पीछे का जो कारण है, एक चीज हमने देखी कि अभी जब उपचुनाव थे तो राजबब्बर जी कोई बात कह रहे थे, सुरेंद्र राजपूत जी दूसरी बात कह रहे थे। सुरेंद्र राजपूत जी का मतलब कांग्रेस के प्रवक्ताओं की राय अलग थी और राजबब्बर जी की राय अलग थी। कांग्रेस के प्रवक्ता समाजवादी पार्टी का समर्थन कर रहे थे और राजबब्बर जी कह रहे थे ये उस गठबंधन के बारे में कि ये बेमेल गठबंधन है, तमाम सारी बातें कही है। हाँ,
आपने और हमने सबने देखा, लेकिन ये उसको स्वीकार नहीं कर रहे हैं। आज जो ये बात चल पड़ी है, ये इस चंद्रमोहन जी मेरी बात सुन लीजिए, मेरी भी सुन लीजिए आप। राज बब्बर जी मूलतः समाजवादी पार्टी के व्यक्ति हैं, समाजवादी व्यक्ति हैं, और समाजवादी से वो कांग्रेसी हुए थे, और जिन जिन स्थितियों में उन्होंने समाजवादी पार्टी छोड़ी थी, उत्तर प्रदेश के राजनीतिक कार्यकर्ताओं से वो छिपी हुई स्थिति नहीं है। अब क्योंकि अब उत्तर प्रदेश की जो परिस्थिति है, जो राजनीतिक स्थिति बन रही है, इस कारण से राज बब्बर जी और कांग्रेस आपस में एक दूसरे को रिलेट नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए ये बात हो रही है। सर माना जी को कनेक्ट करना चाहूंगी, सर माना जी को कनेक्ट करना चाहूंगी, वो कुछ सवाल पूछ रहे हैं आपसे। चंद्रमोहन जी, आपको लग रहा है कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में सहारनपुर की हिंसा के बाद लगातार जो कुछ घटनाएं हुई, आप पर दलित विरोधी होने के आरोप लगते रहे, मायावती जी से जो वोट बैंक आप छीन के वापस लाए थे, सपा और बसपा के गठबंधन के बाद दलित वोट बैंक वापस चला गया उसी खाते में, आपके हाथ खाली है इस समय? नहीं नहीं मानस जी, बिल्कुल हमारे हाथ खाली नहीं है, हमारे हाथ मजबूत है, पूरी तरीके से बंधे हुए हैं। क्योंकि सहारनपुर की जो घटना थी, उस घटना को कराने वाले लोग आइडेंटिफाइड हो गए, उन पर कार्रवाइयां हो गई, और आज आप देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी तो सबका साथ सबका विकास को प्रतिबद्ध कर रही है। अभी राज्यसभा की सीटें थी, कितनी सीटें थी उत्तर प्रदेश में, हमने उसमें भी कांता कर्दम जी को राज्यसभा का प्रत्याशी बनाया। तो हम लोग तो सभी को, हमने जहां सबको, हमने राजभर जी को भी बनाया, हमने कांता कर्दम जी को भी बनाया, हमने सभी को बनाया। तो भारतीय जनता पार्टी में यह विषय नहीं है, कांग्रेस तो बहुत सारे प्रयास करती रही है, और एक बार प्रयासों की चर्चा हो रही है। आप कांग्रेस को चंद्रमोहन जी तो हमारे चंद्रमोहन जी कांग्रेस को आप कमतर मत आकी। देखिए आज जिस जमाने में राहुल गांधी के हाथ में कांग्रेस की कमान आई है, देश के महज 8% हिस्से में उनका शासन है। आप कंपेयर नहीं कर सकते उनको नेहरू जी के जमाने में जब 90% थी, आप उनको राजीव गांधी के जमाने से कंपेयर नहीं कर सकते जब 67% देश में उनका शासन था। आप सोचे किन कठिन परिस्थितियों में उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष की कमान मिली और बदलाव करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको लगता है जिस स्पीड से वो बढ़ रहे हैं, आने वाले समय में बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती होने जा रही है? नहीं, देखिए भारतीय जनता पार्टी के लिए वो चुनौती नहीं है, बिल्कुल चुनौती नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की जो आइडियोलॉजी है वो आगे बढ़ती चली जा रही है। हमारी आइडियोलॉजी है भारत माता की जय, हमारी आइडियोलॉजी है स्वामी विवेकानंद, हमारी आइडियोलॉजी है पंडित दीनदयाल उपाध्याय का दर्शन। तो हम अपनी आइडियोलॉजी पर आगे बढ़ रहे हैं, कांग्रेस का कोई दर्शन ही नहीं है। तो इसलिए क्योंकि वो तो जनेऊधारी ब्राह्मण है, तो इस देश को जनेऊधारी ब्राह्मण नहीं चाहिए जो खुद सर्टिफिकेट लेके घूमता हो कि मैं जनेऊधारी ब्राह्मण हूँ। तो इसलिए अब कांग्रेस की ये स्थिति है, और मैंने तो कि कांग्रेस किसको अध्यक्ष बनाइए, कांग्रेस का विषय है। देखिए बड़ा मसला हो जाता है भाई, चंद्रमोहन जी जो हैं संघ के वरिष्ठ कार्यकर्ता भी हैं, पार्टी के प्रवक्ता भी हैं, योगी जी के बड़े नजदीक भी हैं। ये जब कहते हैं कि कौन जनेऊधारी है, कौन सर्टिफिकेट बांटता है, कौन राष्ट्रवादी है, कौन राष्ट्रद्रोही है, तो कुछ बातें बड़ी क्लियर आती हैं। 44 दलों से गठबंधन की हुई भाजपा, और जिसमें तमाम राष्ट्र तोड़क ताकतें हैं, चाहे वो त्रिपुरा में हो, चाहे वो कश्मीर में हो, चाहे मेघालय में हो, चाहे नागालैंड में हो, उसके बाद जब आदमी कहता है तो बड़ा अजीब लगता है। और अंग्रेजों से भारत को मुक्त कराने वाली कांग्रेस के ऊपर अगर कोई प्रश्न उठाता है, और वो लोग प्रश्न उठाते हैं जिनका इतिहास खुद में खराब रहा हो अंग्रेजों के सामने, तब बड़ा अजीब लगता है जाकर। यहां पर जब गरीबी हटाने वाली कांग्रेस के खिलाफ, पहली हरित क्रांति को लाने वाली कांग्रेस के खिलाफ, अरे चंद्रमोहन जी सुन लीजिए भाई, आप क्यों परेशान हो रहे हैं? और ये तो उत्तर प्रदेश की जनता ने आपको दिखा दिया है कि आप गोरखपुर में कहां हैं, आप फूलपुर में कहां हैं, ये भी दिखा दिया है। और इस चुनाव से पहले जो अधिकार, अभिमान और दंभ की भाषा का इस्तेमाल आप लोग करते थे, वो आज की डेट में वो भाषा कहां है, वो शैली कहां है? उत्तर प्रदेश से लेकर के हैदराबाद तक आपके मुख्यमंत्री कहते थे कहीं से भी चुनाव लड़ लूंगा तो जीत लूंगा, हैदराबाद का भी चुनाव जीत लूंगा, गोरखपुर का जीत नहीं पाए आप लोग, गोरखपुर का चुनाव नहीं जीत पाए, और आप हैदराबाद चुनाव जीत। अरे अब्दुल हफीज गांधी जी से सवाल ले लेते, सुनिए समय खत्म हो रहा है, सुन ये गांधी जी से एक सवाल ले रहे थे। गांधी जी एक बहुत बड़ा सवाल ये है, आपने कहा कांग्रेस को आप साथ में ले लेंगे, पहले कांग्रेस की एक छवि थी वो हिंदी विरोधी छवि थी, लेकिन दलितों के घर खाना खा करके फावड़े चला चला करके जो हल नहीं निकल पाया, राहुल गांधी के मंदिर दौड़ने से स्थिति ये होगी कि गुजरात में वो टक्कर में आ गए। क्या सॉफ्ट हिंदुत्व के साथ आपको एक्सेप्ट है कांग्रेस?
देखिए सवाल ये सॉफ्ट हिंदुत्व या हार्ड हिंदुत्व का नहीं है। किसी भी व्यक्ति को संवैधानिक अधिकार है कि वो अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सके। यदि कोई व्यक्ति अपने धर्म का प्रचार कर रहा है, अपने धर्म को मान रहा है, तो इसमें किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। हाँ, हमारा एक स्पष्ट मानना है कि धर्म के अंदर राजनीति के अंदर धर्म नहीं होना चाहिए। आज जो है हमारे संविधान में इस तरह की व्यवस्था है, वो हर किसी को मानना है। लेकिन कौन व्यक्ति कहाँ जा रहा है, कहाँ नहीं जा रहा है, ये उसका अपना पर्सनल निर्णय है। एक सवाल किसी भी राजनीतिक दल को इस पर सवाल नहीं उठाना चाहिए। निर्मल साहब से सिर्फ एक सवाल है। निर्मल साहब, 19 साल का सोनिया गांधी का शासनकाल, करीब 26 राज्यों में उन्होंने सरकार बनाई, 2 बार केंद्र में सरकार बनाई, आपको लगता है कि ये उम्मीद आप राहुल गांधी से कर सकते हैं आज के परिप्रेक्ष्य में? मानस जी, आज की स्थिति में जो जहां कांग्रेस खड़ी है, उसको किन वर्गों का समर्थन प्राप्त है? देखिए, अगर दलितों की बात या वंचितों पिछड़ों की बात कर लीजिए, दलितों की बात कर लीजिए, तो दलित या पिछड़े उनको क्यों सपोर्ट करें? कल जो सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन आया है जी, दलित सवालों पे जी, दलित एक्ट पूरी तरह से निष्प्रभावी हो गया, खत्म हो गया। एक जो वंचितों का जो सुरक्षा कवच था वो पूरी तरह समाप्त हो गया, और दलितों के लिए आजादी के बाद ये सबसे बड़ा सदमा है। इस सवाल पे कांग्रेस कहां खड़ी है? कांग्रेस दलितों के साथ खड़ी है। इसके अलावा कांग्रेस दलितों के साथ खड़ी है। आप पुनर्विचार याचिका डालिए, कांग्रेस आपके साथ खड़ी है, संवैधानिक रूप से आपके साथ खड़ी है, और ये एक्ट कांग्रेस ही लाई थी। इन सारे सवालों और ये दलित के उन संगठनों से पूछा जाना चाहिए जो कमजोर और लचर पैरवी करते हैं। इन सारे सवालों पे अगर कांग्रेस खड़ी नहीं होगी तो फिर कांग्रेस खड़ी, कांग्रेस के पक्ष में लोग जाएंगे कैसे? कांग्रेस आपके साथ खड़ी है, लेकिन आप भी तो खड़े होइए। चंद्रमोहन जी खड़े हैं आप? चंद्रमोहन जी दलितों के पक्ष में खड़े हैं आप? आप देखिए, निर्मल जी को सुरेंद्र राजपूत जी बोलने नहीं दे रहे। अरे निर्मल जी को सुरेंद्र राजपूत बोलने नहीं दे रहे, आपने तो उनका आरक्षण खा गए हैं आप लोग। नहीं नहीं, आरक्षण खा गए हैं आप कहिए ऑन रिकॉर्ड कि उनका आरक्षण वापस कीजिए। आप सचमुच में कीजिए सर। डॉक्टर चंद्रमोहन, मैं आपको मान जाऊंगा और हम लोग सब लोग आपको धन्यवाद देंगे अगर आप दलितों का आरक्षण संविधान। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया आप सभी का। समय समाप्त हो गया मेरे पास। अब कांग्रेस का क्या होगा ये जानने की कोशिश की हमने आज अखाड़ा में, और आखिर चर्चा का विषय यही रहा कि बदलाव की स्थिति हम देख रहे हैं। राहुल गांधी जो 2014 में थे वो 2018 में नहीं आक्रामक रूप से वो हमला बोल रहे हैं मोदी पर, लेकिन सवाल ये है कि वो बीजेपी जिसके साथ आरएसएस जैसा मजबूत संगठन खड़ा हो उसको कैसे राहुल गांधी टक्कर देंगे। अखाड़ा में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।